1552 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की गई थी। सेंट थॉमस ईसा मसीह के प्रेरितों में से एक थे जो ईश्वर के वचन और बाइबल के सुसमाचार को फैलाने के लिए सबसे पहले मालाबार क्षेत्र के माध्यम से भारत आए थे। बाइबल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने खुद को परिवर्तित किया और ईसाई धर्म को धर्म के रूप में पालन करना शुरू कर दिया। इन वर्षों में भारत पर अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और पुर्तगालियों का शासन था, जो मुख्य रूप से ईसाई धर्म का पालन करते थे, और यह चर्चों के निर्माण और शैली और वास्तुकला पर उनके प्रभाव में परिलक्षित होता था। इस लेख में भारत के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत चर्चों को शामिल किया गया है, जिन्हें आपको अपने अवकाश या धार्मिक अभियान पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, गोवा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस 300 साल पुराना चर्च है और भारत के प्रसिद्ध चर्चों में से एक है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के नश्वर अवशेषों को पकड़े हुए चर्च की वास्तुकला पर महान पुर्तगाली प्रभाव है। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में माना जाता है। चर्च के अंदरूनी हिस्से कीमती पत्थरों, वेदी पर सोने के काम और संगमरमर के फर्श से बने हैं। बेसिलिका में एक आर्ट गैलरी भी है जो बाइबल की विभिन्न कहानियों को प्रदर्शित करती है। क्राइस्ट चर्च शिमला। 1857 में निर्मित क्राइस्ट चर्च शिमला के मध्य शहर में स्थित है। नियो गॉथिक शैली में बने क्राइस्ट चर्च को भारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च कहा जाता है। चर्च में 5 सना हुआ ग्लास खिड़कियां हैं, जिनमें से प्रत्येक ईसाई धर्म के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, जो विश्वास, आशा, विनम्रता, धैर्य और दान है। सेंट पॉल कैथेड्रल, कोलकाता। सेंट पॉल कैथेड्रल एशिया का पहला एपिस्कोपल चर्च है, जिसे 1847 में बनाया गया था। अपनी गॉथिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। चर्च प्रेरित पॉल को समर्पित है, जो यीशु मसीह के वचन को फैलाने के लिए यात्रा कर रहा था। चर्च अपने भित्तिचित्रों और कैनवस के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान के वचन को एक साथ लाते हैं। वेलंकन्नी चर्च, तमिलनाडु। तमिलनाडु के वेलंकन्नी शहर में स्थित वेलंकन्नी चर्च 16वीं शताब्दी में विकसित एक कैथोलिक चर्च है। सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च माना जाने वाला, यहाँ आप मदर मैरी को खूबसूरत साड़ी में लिपटी देख सकते हैं। उपासक अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए मोमबत्तियां चढ़ाते देखे जाते हैं, क्योंकि बेसिलिका लेडी ऑफ हेल्थ को समर्पित है और इसे अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ या अवर लेडी ऑफ वेलंकन्नी भी कहा जाता है। सेंट फ्रांसिस चर्च केरल। भारत में सबसे पुराने यूरोपीय चर्चों में से एक माना जाता है। सेंट फ्रांसिस चर्च केरल के फोर्ट कोच्चि में स्थित है। 1524 में निर्मित इस चर्च के साथ बहुत सारे भारतीय और यूरोपीय इतिहास जुड़े हुए हैं। एक समय में इस स्थान पर खोजकर्ता वास्को डी गामा के नश्वर अवशेष दफनाए गए थे, लेकिन 14 साल बाद उसके बाकी हिस्सों को वापस पुर्तगाल भेज दिया गया। आज तक दुनिया भर से यात्री अन्वेषक की समाधि के पत्थर को देखने आते हैं। ऑल सेंट्स कैथेड्रल, इलाहाबाद। ऑल सेंट्स कैथेड्रल भारत में उनके शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक एंग्लिकन कैथेड्रल है। चर्च की कुल लंबाई 240 फीट है, जो कम से कम 125 साल पहले निर्मित एक विशिष्ट वास्तुकला के रूप में खड़ा है। चर्च में बहुत अधिक ब्रिटिश प्रभाव है और इसमें अधिकतम 400 लोग बैठ सकते हैं। चर्च में लालटेन टावर रानी विक्टोरिया के लिए एक ओडी है, अवर लेडी ऑफ डोलर्स बेसिलिका, त्रिशूर। एशिया का तीसरा सबसे ऊंचा चर्च अवर लेडी ऑफ डोलर्स बेसिलिका सिरो मालाबार कैथोलिक चर्च को समर्पित एक माइनर बेसिलिका है। 25,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में स्थित चर्च में संतों की छवियों और भित्ति चित्रों के बेहतरीन नमूने हैं। वेदा गर्भाधान कैथेड्रल, पांडिचेरी। 179 में बना इमेक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल भारत में फ्रांसीसी वास्तुकला का चित्रण है। चर्च के प्रवेश द्वार पर आप शिशु जीसस को गोद में लिए हमारी महिला की एक मूर्ति देख सकते हैं। आंतरिक भाग में 8 पैरल वॉल्ट और 8 वृत्ताकार उद्घाटनों वाला एक केंद्रीय गुंबद है। शानदार सजावट के साथ चर्च एक सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला सेटअप है, जहां उपासक बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं या यहां तक कि शांति पाने के लिए बैठ सकते हैं। चर्चों की उपरोक्त सूची आपको एक गहरा इतिहास देती है कि भारत में चर्चों की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे क्या प्रभाव था। अधिकांश चर्च सभी समुदायों के लोगों के आने, पूजा करने और प्रार्थना करने या यहां तक कि बैठकर चर्च के पीछे के इतिहास का पता लगाने के लिए खुले हैं।